बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अवर ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक फॉर थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिपीट दिस शेप एज अ मिक्स फ्रैक्शन। हमारे पास शेप गिवन है, हमने इनको क्या करना है, हमने बताना है इनको मिक्स फ्रैक्शन में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखें, जो हमारा पार्ट कंप्लीट कलर है, कंप्लीट शेडेड पार्ट है, तो हम कहेंगे हमारे पास कितने 2 शेप्स है ना। लेकिन जो हमारे पास जो 1 शेप है वो कंप्लीट शेडेड है, इट्स मीन हम उसको राइट करेंगे 1। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट्स हैं नेक्स्ट शेप में, तो हम यहाँ पर 6 एज अ डिनोमिनेटर। एंड कलर पार्ट हमारे पास 2 हैं, तो हम उसको 2, यानी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है ये शेप, 1 whole 2 by 6। नेक्स्ट हमारे पास 2 शेप्स हैं, 1 कंप्लीट शेडेड है, तो राइट कर देंगे 1। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है उसमें 4 पार्ट्स हैं, मीन इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 4। एंड कलर शेड कलर पार्ट्स हमारे पास क्या हैं 3, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई है 1 whole 3 by 4। यहाँ पर हमारे पास 3 शेप्स हैं, ठीक है। 2 हमारे पास क्या हैं, कंप्लीट कलर्ड हैं, शेडेड पार्ट्स हैं, कंप्लीट शेडेड हम लिखेंगे 2 whole। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है, पहले हम उसके पार्ट्स काउंट कर लें ताकि हमें डिनोमिनेटर पता लग सके, 1 2 3 4 5 6 7 8। डिनोमिनेटर हमारा 8 होगा, कलर पार्ट हमारे पास है 1 2 3, तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन चुकी है 2 whole 3 by 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस दिस मिक्स फ्रैक्शन एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मिक्स कलर पार्ट को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, लेकिन अभी कह रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको राइट करेंगे। यहाँ पर देखें, हमारा जो डिनोमिनेटर होगा ना वो सेम रहेगा, जो कि यहाँ पर देखें 1 whole 3 by 4, 4 हमारा डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा। जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 1s are 4, एंड नोमिनेटर में ऐड करते हैं 4 1s are 4, 4 plus 3 क्या आ जाएगा 7, इट्स मीन हमारी मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है 7 by 4। नेक्स्ट हमारे पास है 2 whole 1 by 6, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखें 6 2s are 12, 12 plus 1 13, तो ये हमारी हो जाएगी 13 by 6। नेक्स्ट 2 whole 5 by 10, 2 5s are 10, होल नंबर हमेशा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 5s are 10, एंड नोमिनेटर उसमें ऐड होता है 10 plus 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 12 by 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज दीज मिक्स फ्रैक्शन इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखें, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी बताया था कि होल नंबर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, जो हमारे पास सम आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है, उस प्रोडक्ट को हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। 4 3s are 12, 12 plus 1 13, सो हमारी क्या बन चुकी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 13 by 4। यहाँ पर देखें 10 2s are 20, यहाँ पर देखें मल्टीप्लीकेशन का निशान लगा दें एंड यहाँ पर ऐड का निशान लगा दें, 10 2s are 20, 20 plus 3 क्या आ जाएगा 23 by 10, हमारी क्या बन चुकी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8 3s are 24, 24 में हम 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31 by 8। नेक्स्ट हमारे पास है 12 1s are 12, 12 में हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 by 12, हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। 4 5s are 20, 20 plus 1, 21 by 4, नेक्स्ट हो जाएगा 8 2s are 16, 16 में हमने 6 को ऐड करना है तो हमारे पास बन जाएगा 22 by 8। 7 3s are 7, 3s are आ जाएगा 21, 21 में हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26 by 7। 6 11 6s are 66, 66 में हम 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70, तो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी 70 by 11। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, चेंज दीज इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। हमारे पास ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो चले अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए हमारे पास है 9 by 2।
हमने इसको डिवाइड किया है, यहाँ पर देखें तो मेरे पास क्या आ चुका है, यहाँ पर रिमाइंडर मेरे पास 1 आया है। इट्स मीन हम इसको किस तरीके से राइट करेंगे, यहाँ पर देखें मिक्स फ्रैक्शन में हम राइट कर रहे हैं, तो मैं इसके सामने ही राइट कर देती हूँ। यहाँ पर देखें हमारा जो डिनोमिनेटर होता है ना वो सेम ही रहता है, रिमाइंडर हमारे पास 1 आया तो हम 1 राइट करें। क्वोटियर पर हमारे पास क्या है 4, इट्स मीन 4 होल 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है 15/4, यहाँ पर मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया जो 4 हमारा क्या है डिनोमिनेटर, रिमाइंडर मेरे पास 3 आया तो वो हमारा नॉमिनेटर बन जाएगा एंड 3 हमारा क्या हो जाएगा होल नंबर। 45/8 है तो सेम डिनोमिनेटर सेम रहेगा, रिमाइंडर 5 आया, 5 हमारा क्या बन जाएगा नॉमिनेटर एंड क्वोटिएंट पर हमारे पास क्या है 5 हमारा होल नंबर। इट्स मीन 45/8 इज इक्वल टू 5 होल 5/8। नेक्स्ट हमारे पास है 7/3, यहाँ पर देखिए मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया है 3 हमारा सेम रहेगा, रिमाइंडर 1 आया तो 1 हमारा नॉमिनेटर बन जाएगा एंड 2 हमारा क्या हो जाएगा होल, तो 7/3 इज इक्वल टू 2/1/3। नेक्स्ट मेरे पास है 50/7, यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है तो यहाँ पर देखें 7 हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, 1 जो मेरे पास रिमाइंडर आए रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा नॉमिनेटर एंड 7 हमारा क्या हो जाएगा ये होल, तो 50/7 इज इक्वल टू 7/1/7। 36/11 को मैंने डिवाइड किया है तो अभी आप लोगों को पता लग चुका है कि हमारा जो डिनोमिनेटर था वो सेम रहता है, रिमाइंडर हमारा नॉमिनेटर बन जाता है एंड होल नंबर हमारे पास क्या आ जाता है 3। नेक्स्ट हमारे पास है 8/5, रिमाइंडर 3 आ चुका है एंड होल हमारा क्या आ चुका है 1 होल। इट्स मीन इट इज इक्वल टू 8/5 इज इक्वल टू 1 होल 3/5। नेक्स्ट हमारे पास है 22/10, मैंने इसको किया तो मेरे पास आ चुका है, यहाँ पर देखें 10 मेरा डिनोमिनेटर, 2 मेरे पास जो रिमाइंडर था वो मेरा नॉमिनेटर एंड 2 यहाँ पर जो हमारे पास क्वोटिएंट में है वो हमारा क्या हो जाएगा होल। इट्स मीन 22/10 इज इक्वल टू 2 होल 2/10। नेक्स्ट हमारे पास है 62/8, 62/8 को मैंने डिवाइड किया है तो मेरे पास आया है आंसर, रिमाइंडर क्या है 6, हम 6 को पहले रिमाइंडर राइट करेंगे फिर हमारे पास होल नंबर क्या आया है 7। नेक्स्ट हमारे पास है 12/7, अभी देखें 12/7 में हमारे पास क्या आया है 7 हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, रिमाइंडर क्या आया है 5, हम 5 को राइट करेंगे, होल नंबर हमारा क्या है 1। नेक्स्ट हमारे पास है 30/8, मैंने डिवाइड किया है रिमाइंडर आया है 6 एंड होल नंबर हमारा क्या है 3, रिमाइंडर है 5 एंड होल नंबर क्या है 5। इसके साथ एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।